तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सदालये, कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य कृष्णकरुणकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सर्ज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज हम लोग जैव धर्म का दूसरा अध्याय को श्रवण करें। कि दूसरे अध्याय में जो विषय हैं कद जीव का नित्य धर्म शुद्ध और सनातन। जीव का जो नित्य धर्म क्या है एकदम शुद्ध और ये सनातन, इसी विषय के ऊपर में डिस्कशन होगा। कहते दूसरे दिन प्रातःकाल प्रेमदास बाबा जी अपने ब्रज भाव में डूबे रहते थे। कहते यहाँ पर दिखा रहे हैं जो भक्तों का जो भावना है किस रूप में भक्तों का भावना रहनी चाहिए, इसलिए कहते उसमें जो अष्ट जाम है, कितना जाम है? कहते 24 घंटा को 8 भाग में विभक्त कर दी गई है। और एक जाम करके 3 घंटा 8 × 24 होता है। इसलिए सवेरे सवेरे भक्त लोग क्या करते हैं, जैसे ठाकुर जी, जैसे हम लोग जो सवेरे जो मंगला आरती करते हैं, ये मंगला आरती क्या है? कहते यही ब्रज भाव है। राधा कृष्ण कैसे निकुंज में विश्राम कर रहे हैं, सखी मंजरियाँ कैसे सवेरे सवेरे उठ करके नहा धो करके तिलक लगा करके, कहते ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्य उदय होने से 1 घंटा 36 मिनट पहले कैसे ये सबके सब उठ करके और क्या करते हैं, ठाकुर को कैसे जगाते हैं, राधा कृष्ण कैसे निकुंज में विश्राम कर रहे हैं। इसलिए सवेरे हम जो भजन गाते हैं नियम है, ऐसे नहीं गाना चाहिए हम गा ही लेते हैं, कहते ऐसे नहीं, वो जो भजन गाते हैं उसमें कम से कम थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए, हम भजन क्या गा रहे हैं इसको थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए हैं। जैसे मंगल श्री गुरु गौर मंगलम रति, मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल प्रीति, मंगल निशांत लीला। निशांत मतलब क्या? निश मतलब होता है अंधकार, अंत मतलब होता है अभी रात्रि अभी खत्म हुआ है। और दूसरा भाव है हमारे हृदय में भी एक अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब के सब हमारे हृदय में ये अज्ञान रूपी अंधकार हृदय में बैठा हुआ है। अभी ये अंत होने जा रहे हैं, मतलब हृदय की जो अनर्थ, अभी ये अनर्थ हृदय की नष्ट होते जा रहे हैं। ये कहती ये निशांत लीला है। इसलिए कैसे राधा कृष्ण के सुंदर सुंदर वहाँ पर कैसे फूल खिला हुआ,
और सुंदर सुंदर भौंरा कैसे मंडरा रही हैं, सुंदर सुंदर हवा कैसे बह रही हैं, ये सब चीज़ सवेरे नियम है स्मरण करनी चाहिए हैं। इसलिए कहते श्री बाबा जी महाराज प्रातः काल में अपने ब्रज भाव से डूबे रहे थे, अपना ब्रज के भाव से ये बाबा जी महाराज डूबे हुए थे, कैसे राधा कृष्ण का निकुंज लीला कैसे समाप्त हो रहा है और राधा रानी को सबके सब मंजरी और सखियाँ उनको कहाँ ले जाते हैं, बोले जावट ले जाते हैं और कृष्णा चले जाते हैं, नंदगांव चले जाते हैं। कहते श्री बाबा जी महाराज इसी भाव से डूबे हुए थे बाबा जी महाराज, अतः सन्यासी महाशय को अपने कोई भी बात पूछने का अवसर नहीं मिला। फिर दोपहर के माधुकरी करके दोनों ही माधवी मालती मंडप में बैठे हैं। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि साधुओं का जीवन यापन कैसे, जो भजन है ना नियम होता है सवेरे, अब भजन कर देखना मन अपने आप भजन में लग जाता है, जितना दिन होते जाता है कहते समय का अनुरूप मन का जो चंचलता बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर मन बैठता नहीं, फिर ये करना वो करना वो करना वो करना। इसलिए साधु लोग पहले क्या करते थे, एकदम सवेरे सवेरे हमारे जो महाराज थे 2-2.5 बजे उठ करके बस 9 बजे के अंदर में 1 लाख हरिनाम को पूरी कर लेते थे, हैं 1 लाख हरिनाम को पूरी कर लेते थे। इसलिए नियम है सवेरे उठ करके अगर हम सिंसियर बने सवेरे उठ करके हरिनाम को पूरी करनी चाहिए। इसलिए हो सके हम मंदिर में हम और एक नियम रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या होता है, हम लोग प्रसाद पाते हैं कथा होते होते 9 बज जाते हैं और प्रसाद प्रसाद 9:30-10 बज होते हैं, तो सब पेट अगर भारी हो जाए ना फिर सवेरे और नींद नहीं खुलती, सवेरे नींद नहीं खुलती है। इसलिए इस्कॉन में नियम है वो 5 बजे दोपहर में 10 बजे सवेरे प्रसाद पा लेंगे और फिर 5 बजे फिर प्रसाद पा लेते हैं और रात को भूख लगे तो थोड़ा दूध पी लेते हैं, फिर पेट खाली रहता है सवेरे अपने आप नींद खुल जाती है। अगर 8-10 बजे खाएंगे ना फिर तो पेट भारी रहेगा, फिर तो नींद भी सवेरे भी नींद आप इसीलिए नहीं खुलना चाहते हैं, सब ब्रह्मचारी को जगाना चाह पड़ता है, उठो उठो आगती हो रही है, इसलिए जगाना नहीं चाहिए, ब्रह्मचारी को अपनी आप मंगलारती में अपनी आप उठनी चाहिए हैं। कलयुग का जीव स्वभाव कैसे कहते हैं, भोजन के होशियार, भजन के आलिस और भोजन के होशियार, ये कलयुग का जीव का स्वभाव है। भोजन करते समय तो पूरा प्लेट भर कर छानी, लेकिन जब भजन का बात बोलो ना, हाँ यदि चाहो अन्य कथा अटिया साटिया कहो, दूसरे अगर बात मिल जाए तो बड़ा जोश आ जाती है, लेकिन जो भजन की बात होता है बोले नींद आ रहे तकिया लेकर क्या सोना चाहते हैं, ये कलयुग का ये जीव का ये स्वभाव है। इसलिए हम सोचते हैं जो सवेरे है ना हैं ये करके फिर शाम को 4-5 बजे पा लो, फिर रात कोई प्रसाद नहीं, रात का दूध पी लो 1 गिलास दूध पी लो, फिर पी करके अगर विश्राम करो फिर देखना सवेरे टाइम पर आँखें हमारे टाइम पर आँख खुलेगा। इसलिए आँख नहीं खुलने का यही कारण है, सबको जगाना पड़ते, अगर पेट में अगर थोड़ी सी भूखा रहेगा ना सवेरे अपने आप नींद खुल जाएगी हैं। अगर सिंसियर अगर हाँ आए खाओ मंदिर में सोते रहो जैसे हो रहा है ये होगा तो फिर तो भगवान भी नहीं मिलेंगे हमें और जीवन भी ऐसे ये जीवन ही हमारी ऐसे ही बीत जाएगी। इसलिए आज से हम ये करेंगे रात को कोई प्रसाद नहीं करेंगे, ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनेगा हैं। ठाकुर जी देखो अगर हम भजन भक्ति करना चाहते हैं सवेरे सवेरे उठ करके अगर हरिनाम करना चाहते हैं इसलिए रात को दूध पी लो, डाइजेस्ट भी नहीं होता, जितने बीमारी का जड़ है लेट में प्रसाद बना सारे बीमारी का जड़ है। इसलिए हम कोशिश करेंगे आज से ऐसे नियम बनाएंगे, ठीक है, रात को कोई प्रसाद नहीं, तो ठाकुर जी के वहाँ पर मंगलारती से पहले वो लोग कोशिश करते हैं जैसे मंगलारती से पहले और वृंदावन इसको तो खाने के लिए मिला।
इसलिए इसलिए वृंदावन में भी वहाँ पर परमेश्वरी प्रभु अरे वहाँ परमेश्वरी प्रभु प्रश्न करते हैं, कहते हैं कितने माला तुमने किए वहाँ पर। कोई कोई तो मैंने देखा एक उड़िया बाबा करते 32 माला कर देते हैं प्रसाद पाने से पहले, कोई 16 माला हैं, अगर कोई अगर 8 माला से किसका अगर कम होता है ना परमेश्वर पर प्रसाद पाने नहीं देते। ले जाओ मंदिर में किसी लिए घर बार छोड़ करके भजन के लिए ना भोजन के लिए आते हैं, रोज श्लोक याद करते हैं, हैं श्लोक याद करने अंतर डांट लगा देते हैं और 1 घंटा तक बैठ करके सबको हरिनाम करवाते हैं, यहीं पर बैठो बाहर नहीं जाओ, कम से कम यहाँ पर बैठ कर क्या करनी चाहिए, कीर्तन खत्म होगा तब यहाँ से नहीं जाना, सब यहीं पर बैठ करके कम से कम 1/2 घंटा भजन करना, अंदर में नहीं जाना, ठीक है, पूरा यहीं बैठ करके हरिनाम करो, हैं यहीं पर बैठ करके सबके सब हरिनाम करो। हम लोग को गोष्ठानंद भजनानंद नहीं है, गोष्ठानंद मतलब सब मिल करके जो भजन करें। इसलिए हमारी जो मंदिर है ना और उन्होंने एक छोटे छोटे नोटबुक बनवाया सभी का, आज किसको प्रति तुमने अपराध तो नहीं किया, किस साधु का प्रति तुम्हारे दुर्भाव बना तो नहीं आया, मन से तन से किसी तरह से कहते तुमने कितना माला किया आज, एकदम छोटे नोट कितना छोटे छोटे नोटबुक बनाए, बोले कितने हरिनाम आज तुमने की है, हैं और किसी वैष्णव का प्रति तुमने कोई अपराध तो नहीं कर दिया किसी वैष्णव, भाई तुम लोग थोड़े सर हट कर बैठो इधर बैठो, इसलिए कोई मन का प्रति तो कोई अपराध नहीं किया है? इसलिए और वहाँ पर नियम है वो पहले पीछे आकर देखते हैं कौन मंगला आरती में आया कि नहीं, है पूरा डांट लगा देते हैं सबके सामने, रहो सीधा नहीं तो घर में जाओ, सीधा नहीं तो घर में जाओ, नहीं तो इसी मंदिर में रह नहीं सकते, एकदम स्ट्रिक्ट नियम है। इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रह्मचारी वहीं पर है और सिखा देते हैं ना, अच्छी सिखा देते हैं इनको, हैं भजन करने के लिए आए हो भजन करो मंदिर में, सोने के लिए यहाँ पर नहीं आए हो, श्लोक सीखो हरिनाम करो भजन करो आरती में आओ, उनका एकदम पूरा कीर्तन पाठ में सबको सब बैठनी चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट नियम है वहाँ पर। इसलिए मेरे को तो बहुत अच्छा लगा सब चीज़ को देख करके, हम अभी था लॉकडाउन में था ना, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर, इसलिए वहाँ बच्चे लोग अच्छे बनते हैं सबको, कितने श्लोक याद है उनको, कितने श्लोक याद है उन लोग बच्चों को। इसलिए यहाँ पर जैसे ये हो जाएगा यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा जाना पड़ेगा, यहीं बैठ करके माला ला करके यहीं पर बैठ कर कम से कम 1/2 घंटा यहाँ पर बैठ करके हरिनाम करो, एक जगह से बैठ कर हरिनाम करते हैं ना तो माला कुछ हो जाता है, नहीं तो घूम घूम कर करो उससे बाद क्या, उसके बाद क्या दिन भर में 2-4 माला नहीं करते। इसलिए ठीक है आज कहीं नहीं जाना, कीर्तन जैसे ख़त्म हो जाएगा यहीं पर बैठ करके कम से कम 1/2 घंटा सबके साथ बैठो, उसके बाद में कहीं इधर उधर जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यही चीज़ को बता रहे हैं, कहते उन्होंने प्रातः काल में बाबा जी महाराज कैसे कहाँ तक कितना समय तक हरिनाम करते थे, कहते ये 2 पहर तक बैठ करके हरिनाम करते थे, हरिनाम करके उसको जब हरिनाम करते थे तब हमारे जो सन्यासी महाराज कहते बाबा जी महाराज को प्रेमदास बाबा जी महाराज को प्रश्न करने का सुजोग नहीं मिला, क्यों वो तो माला को जप कर रहे हरिनाम कर रहे हैं, इसलिए उनको समय ही नहीं मिला, उनको पूछने के लिए कोई प्रश्न पूछने के लिए ये नहीं मिला। इसलिए माधुगिरी करके दोनों ही जब माधुरी माला तक मंडी में बैठे उस समय में तब स्वयं ही परमहंस बाबा जी महाराज ने कृपा करके कहा हे भक्त प्रवर आपने धर्म विषय की मीमांसा सुनकर उस पर क्या स्थिर किया है, कल तुमने जो क्लास सुनी है हरिकथा सुनी है वो हरिकथा सुन करके तुमने क्या स्थिर क्या किया है और किस निर्णय पर पहुँचे हो, हैं तुमने किया निर्णय पर पहुँचे और क्या तुमने इस विषय पर सोचा किया। जब उन्होंने ये प्रश्न स्वयं पूछे कद ये बात को सुन करके सन्यासी जी ने परम आनंद के साथ फिर उन्होंने प्रश्न किया, तो उन्होंने क्या प्रश्न किया, बोले प्रभु जीव यदि अणु पदार्थ है, बोले जीव अणु समझ रहे हो ना बहुत छोटा है, हैं कितना छोटा है, तो बताए बालाग्र शतभाग सतधा कल्पित भाग जीव स विज्ञ
स अनंताय कल्पति। कि जैसे बाल का जो केस का जो अग्र भाग को अगर उसको 100 भाग कर लो, फिर उसको 100 भाग करो, कितना होगा बता? बहुत छोटा होगा है। इसलिए आत्मा हमें दिखती नहीं। यह प्रश्न करते हैं, अगर ये जीव बहुत छोटा है, बहुत अणु है, फिर उसका नित्य धर्म कैसे पूर्ण और शुद्ध कैसे हो सकता है? अगर इतना जीव अगर इतना छोटा तो है, फिर उसका जो धर्म नित्य कैसे और ये कैसे पूर्ण और ये शुद्ध कैसे हो सकता है? जीव तो इतना छोटा सा है, बोला है इतना बड़ा छोटा वो क्या कर सकता है? हाँ, इस प्रश्न है। तब यहाँ पर कहते हैं, जीव के गठन के साथ यदि उसके धर्म का भी गठन होता है तो धर्म सनातन कैसे हो सकता है? क्या धर्म कब होता है? बोले जीव का जब गठन, बोले जीव जब बनता है, क्या उसी समय में क्या होता है? उसका धर्म तभी बनता है जब जीव जन्म हुआ, तभी है ना, तभी बनेगा। फिर आप कहते हो जीव का जो धर्म है कहते फिर उसको सनातन कैसे हो सकता है? बोले सनातन किसको कहते हैं? सदा तन, सदा मतलब हर समय, तन वा विस्तार वा तन प्रकाश, जिसका धर्म हर समय प्रकाश लिए अनादि। हम कहते हैं सनातन, सनातन मतलब जिसका कोई आदि अंत जिसका है नहीं। अगर जीव एक एक समय से अगर इसका सृष्टि हुई है, फिर इसका धर्म आप कहते तो सनातन कैसे होता है? सनातन तो उसे कहते जो पहले था, अभी भी और बाद में जो रहेगा, उसको तो सनातन कहते हैं। फिर आप इसको सनातन कैसे कह रहे हो हैं? तो जब उन्होंने ये प्रश्न किया तो उसको इन्हीं दोनों प्रश्नों को सुन करके श्री बाबा जी महाराज श्री सच्चिदानंद महाप्रभु का चरण को उन्हें ध्यान करते हुए परमहंस बाबा जी को मुस्कुरा करके कहने लगे। जब उन्होंने प्रश्न किया, प्रश्न के बाद में जब उन्हें उत्तर देने के लिए आए, सबसे पहले उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया है। जैसे हम लोग जैसे कथा होता है ना, कथा से पहले हम लोग क्या करते हैं? ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग गुरु जी को, वृंदा देवी को, राधा रानी को, महाप्रभु को, कृष्ण को हम पहले स्मरण करते हैं। स्मरण करते हुए फिर हम लोग उसका फिर कथा करते हैं। तो उसी तरह उन्होंने किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण को ध्यान करते हुए और थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी मुस्कुराते हुए उन्होंने बोले, बोले महाशय जी, जीव तो अणु पदार्थ है, जीव बहुत छोटा है, हैं बहुत छोटा जीव है, अणु पदार्थ है, किंतु उसका जो धर्म है ये पूर्ण और सनातन उसका धर्म है। कैसे? कहते यहाँ पर बताए जो अणुत्व केवल वस्तु का परिचय है। कहते जो छोटा है जीव, जो अत्यंत छोटा है, हैं केवल ये केवल वस्तु का परिचय है, लेकिन जीव जो छोटा केवल इतना ही, इसका परिचय केवल इतना ही है, लेकिन बृहत वस्तु एकमात्र परम ब्रह्म श्री कृष्ण। कहते बड़े कौन है? बृहत वस्तु भगवान, जिसको स्वराट कहते हैं, स्वर ऐश्वर्य पूर्ण कहते हैं, सारे शक्तिमान कहते हैं, हैं भगवान कृष्ण एकमात्र परम ब्रह्म श्री कृष्ण ही ये बृहत वस्तु। कहते जीव समूह उनके अनंत परमाणु हैं, हैं जैसे पहले हम सुन करके आए ना, कहते जो जीव कैसे ये कैसे हैं? कहते ये जीव समूह उनको अनंत परमाणु, अनंत परमाणु ये जीव है। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे अखंड अग्नि से जिस प्रकार चिनकारियाँ निकलती हैं, जैसे देखना बहुत कहीं बड़ी जोर से आग जल रही है, आप देखना वो आग से एक एक चिनकारी निकलती है, हैं एक एक चिनकारी निकलती है, जैसे एक चिनकारी निकलते हैं वैसे ही अखंड चैतन्य स्वरूप कृष्ण से ये जीव भी निकलती हैं। कहते उसी तरह भगवान कौन? ये अखंड, ये चैतन्य स्वरूप भगवान से क्या होता है? अनंत जीव भगवान से, अनंत जीव भगवान से प्रकट होता है। इतने जीव संसार में, इसलिए उस श्लोक में बताया ना, हैं क्या श्लोक है मेरे, जैसे उदाहरण दिया है जीव कैसे
पार्थिव ही रिहजन तब, जैसे कहते धूल का कण को जैसे गिर नहीं सकते हो, बारिश का बूंद जैसे गिर नहीं सकते हो, कहते ये जीव को भी तुम गिनी नहीं सकते। एक गिलास पानी लो, एक गिलास के अंदर पानी के अंदर में इतने बैक्टीरिया है, इतने बैक्टीरिया है पृथ्वी में, इतने इंसान भी नहीं, जीव कितने जीव। एक शरीर देखना कि जब सड़ जाता है ना, सड़ जाता है शरीर, अब देखना कितने कीड़े उसमें बढ़ जाते, कितने कीड़े बढ़ जाते। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कद जीव अखंड चैतन्य रूप कृष्ण से जीव निकलते रहते हैं, अनंत जीव निकलते हैं। इसलिए कद अग्नि की एक एक चिंगारी जैसे पूर्ण अग्नि शक्ति को धारण करती हैं, प्रत्येक जीव भी उसी तरह चैतन्य के पूर्ण धर्म की विकास भूमि होने में समर्थ है। यहाँ पर उदाहरण देते हैं, बताए ना जीव अगर अणु हो उसका धर्म नित्य सनातन कैसे हो सकते। इसलिए यहाँ उदाहरण दिया जैसे अखंड अग्नि है, जैसे कहीं पेट्रोल हो, देखना पेट्रोल में अगर एक आग की एक चिंगारी अगर पेट्रोल में लग जाए फिर क्या होगा, वह एकदम दुनिया को ध्वंस कर सकता है, हैं दुनिया को ये ध्वंस कर सकता है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं चिंगारी जैसे पूर्ण अग्नि धारण कर सकती है, कहीं लग जाने पर ना पूरा 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 जला जला करके सब राख कर सकता है। कहते ठीक उसी तरह चैतन्य के पूर्ण धर्म की विकास भूमि होने से समर्थ, लेकिन वो समर्थ कब होता है, जब उसको कहीं आग लगने का चांस मिलता है। अगर उसको चांस कहीं नहीं मिलेगा ना, वो आग पर वहीं पर बुझ जाएगी, लेकिन अगर कहीं लग जाए पेट्रोल में गिर जाए हैं, नहीं तो कोई भूस में जल जाए फिर क्या होता है। गाँव में जब हम रहते थे विशेष करके गर्मी का समय पर हैं, गर्मी का समय पर गाँव में क्या होता था, सब भूस का घर होता था। कभी अगर थोड़ी सी कहीं आग लग गई ना, आप सोच नहीं सकते, गांव की गांव जल करके राख हो जाती है, गांव की गांव जल करके पूरे राख, क्यों गांव में भूस का घर होता था पहले, तो इतना सीमेंट फीमेंट, अभी भी गांव में भूस भूस का घर है। इसलिए यहाँ का समर्थ कहते एक चिंगारी जैसे जलाने का सामग्री, जलाने के लिए अगर कोई सामग्री इसको अगर मिल जाए तो क्रमशः महान अग्नि का परिचय देकर समग्र जगत को जला डालने में समर्थ रहती है। बम कहीं गिर जाए ना, इतना छोटा सा नहीं होता, जब गिरता है ना पूरा दुनिया को जला करके वो राख बना देती हैं, हैं? लेकिन उसको कहीं स्थान मिलनी चाहिए, सामग्री मिलनी चाहिए। वैसे ही एक जीव भी प्रेम के प्रकृति विशेष कृष्ण चंद्र को पाकर प्रेम की महाबाहर लाने में समर्थ हो सकते हैं। कहते उसी तरह जो ये जीव है क्या करता है, प्रेम की जो प्रकृति विषय है, कौन है प्रेम की प्रकृति विषय, कहते ये भगवान कृष्ण। अगर ये जीव अगर प्रेम का प्रेम किसको करनी चाहिए, बोले जगत में किसी चीज़ को प्रेम नहीं करनी चाहिए, अगर प्रेम करने का कोई एक पात्र हो ना केवल ठाकुर हो, कर जगत में और किसी को भी प्रेम करोगे दुख दुख के सिवाय और सुख नहीं मिलेगा। संसार में दुख जीव क्यों है, कारण क्या है, कारण यही है प्रेम जिसको करनी चाहिए हम उसको प्रेम करना छोड़ दिया, आज जिसको नहीं करनी चाहिए उसको पीछे हमने प्रेम करने लग दिया। इसलिए ये जितने सारे दुख का ये जड़ है, हैं? इसलिए के प्रेम का विषय कौन है, बोले भगवान कृष्ण। अगर ये कृष्ण को अगर कोई प्रेम कर सकता है क्या कर सकता? उसका फल क्या होगा, कहते प्रेम की महाबाट लेकर के संपूर्ण जीव को कृष्ण प्रेम में भा सकते हैं। जैसे देखो जैसे हमारे प्रभुपाद थे, हमारे गुरुजी हुए हैं, हैं भक्तिवेदांत स्वामी महाराज हुए हैं, कहाँ उनने एक व्यक्ति और 70 साल बूढ़े में गए, बूढ़ापा में अवस्था में गए और जा करके देखो ऐसे भगवान की कृपा से उन्होंने ऐसे प्रचार किया, ऐसे प्रचार किया जहाँ जाओ इसको, जहाँ जाओ इसको, जहाँ जाओ इसको, सब जगह में, और उनका इतने विश्व ब्रह्मांड में कहते हैं भगवान की, गुरु जी एक समय कह रहे थे, हम कहते ना ठाकुर का लीला नित्य है, ठाकुर का लीला नित्य, कहीं ना कहीं ठाकुर का लीला चल रहे हैं, कहीं कृष्ण जन्म हुए होंगे, अभी कहीं रासलीला करते होंगे, कहीं कृष्ण मक्खन, कहीं ना कहीं चोरी करते होंगे, क्योंकि प्रभु का लीला नित्य अनंत करोड़ ब्रह्मांड है, हैं अनंत करोड़ ब्रह्मांड, कहीं ना कहीं कृष्ण अभी जन्म हुए होंगे, अनंत करोड़ ब्रह्मांड है,
हर ब्रह्मांड में ठाकुर जी लीला करते हैं। ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आते हैं, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड जिनका एक एक लोभ कूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है भगवान का लिखते हैं। तो महाराज कह रहे थे एक समय ये स्वामी महाराज भी कहीं उन्होंने पूरा ऐसे कर दिया, ये सूरज पृथ्वी का चार तरफ घूमता, पृथ्वी भी घूमती है, लेकिन जब अभी जैसे यहाँ पर मंगलारती हुई, जैसे यहाँ पर कथा हो रही है, सूर्य तो यहाँ पर मंगलारती हुई लेकिन और कहीं पर सूर्य और भी उगते होंगे, वहाँ पर अभी वहाँ मंगलारती होता होगा, और किसी देश में और भी सूर्य उगते होंगे, सूर्य उगने से पहले मंगलारती वहाँ पर भी मंगलारती होती होगी, जैसे कृष्ण कथा होती हैं, जैसे हम लोगों का कथा विश्राम हो गया लेकिन और कहीं कथा होती होगी, जैसे कहीं, इसलिए क्योंकि उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी में, उन्होंने स्वामी महाराज वो संपूर्ण पृथ्वी में उन्होंने प्रचार किया, संपूर्ण पृथ्वी में, ऐसे कोई राष्ट्र अभी नहीं जहाँ पर उन्होंने इस्कॉन को स्थापन नहीं किया, सब हाँ पाकिस्तान में भी, वहाँ पर तो बड़े सुंदर प्रचार उन्होंने किया है, बहुत तो सुंदर प्रचार किया, वो पूरा दुनिया में उन्होंने भक्ति को उन्होंने जगत में प्रचार किया, प्रचार किया तो कहीं ना कहीं आरती हो रही, कहीं ठाकुर को भोग लग रहा है, कहीं ठाकुर जी कथा हो रही है, मतलब 24 घंटा पूरा के पूरा जैसे कृष्ण लीला नित्य है, उन्होंने ऐसे मंदिर स्थापित किया सब जगह में, उन्होंने ये कर लिया, इसलिए एक जीव है ना, जीव तो एक है, लेकिन पहले उन्होंने किया क्या, खाए और सो नहीं गए, उन्होंने पहले कठोर साधन किया है, साधन उन्होंने किया, साधन जब तक नहीं करोगे ना, भले ही जितने बोल लो वो भी काम आने वाला नहीं, कोई अपना जीवन में नहीं उतारेगा, क्यों, तुम बिना किए तुम बोल रहे हो, तुम बिना किए तुम बोल रहे हो, ये बोली का कोई महत्व नहीं, लेकिन जब करके जब बोलेंगे फिर तो उसका जो असर पड़ता है, जैसे रसगुल्ला खा करके बोलो ना, कैसे रसगुल्ला बहुत मीठा है, अगर केवल सुन करके बोल दिया रसगुल्ला मीठा, अरे तुम्हारा बोलना भी वैसे होगा, क्यों, तुमने खाए नहीं रसगुल्ला, इसलिए कहते अनुभूति करते हुए भजन साधन करते हुए जब कोई बोलते हैं उसका बड़ा प्रभाव पड़ता है, बड़ा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, इसलिए अपना जीवन में जिसका जितना सुंदर आचरण रहेगा, साधन का जितने तत्पर, साधन भजन में जितने सिंसियर रहेंगे उतना ही जगत में उसका प्रचार प्रसार उतना हो सकता है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं जैसे एक आग की चिंगारी कहीं अगर लगने पर जो सारा दुनिया को जला कर राख बना सकते हैं, इसलिए प्रेम का वस्तु कौन है, भगवान केवल कृष्ण, अगर तुमने केवल कृष्ण को ही प्रेम करो और दुनियादारी किसके नहीं, भाई बंधु बहन परिवार को प्रेम नहीं, प्रेम किसको करो, भगवान को प्रेम करो, और इसके सिवाय और प्रेम कहीं करना नहीं चाहिए, इसलिए कृष्ण कहते मन मना, मन किसको दो और किसको दो, भगवान कहते हैं, कहते इन लोगों का इतने, एक समय हमारे भक्तिवेदन नारायण गोस्वामी महाराज जब इनको गुरुदेव बोले संन्यास लो, गुरुदेव तीनों व्यक्ति को संन्यास देना चाह रहे थे, भक्तिवेदन बामन गोस्वामी महाराज, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, नारायण गोस्वामी महाराज, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और बामन गोस्वामी महाराज बोले गुरुदेव हमने सन्यासियों को देखा है, जैसे प्रभुपाद का शिष्यों को देखा है, कितने कितने विद्वान, कैसे कैसे शास्त्र में उनका प्रवेश, क्या उनकी पर्सनालिटी, क्या आचरण, हमने देखा है सब चीज़ को, हम तो सन्यासी बनने का लायक है नहीं, लेकिन जब नारायण गोस्वामी महाराज ने पूछा उन्होंने क्या बोले, देखो उनका वाणी किया, बोले गुरुदेव जब मैं आपका श्री चरण में आया हूँ, मेरी पत्नी का प्रति जो प्रेम था, पिता माता के प्रति जो प्रेम थी, बच्चों का जो प्रेम था, परिवार का प्रति जो प्रेम था, उनने सारे प्रेम को मैंने उठा करके आपका श्री चरण में हमने दे दिया, आपके श्री चरण में हमने सारे प्रेम आपके श्री चरण में हमने दे दिया है, अगर आप मेरे को नंगे रखना चाहते हो हम नंगा रह सकते हैं, अगर सन्यासी देना चाहते हो मैं सन्यास ले सकता हूँ, लाल कपड़ा देना चाहते हो मैं लाल कपड़ा में रह सकता हूँ, इसलिए आपका चरण में हम संपूर्ण शरणागत है, इसलिए आप जैसे आप करोगे मेरे को आप वैसे, जब ये बात को हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी या बावन गोस्वामी महाराज सुने, गौर नारायण ने सन्यास ले रहे, बोले ठीक है हम भी एक साथ में सन्यासी तीनों ही लेंगे, कहते ये गुरु जी के चरण में ठाकुर के चरण में शरणागत हैं, अगर मंदिर में आकर के सारा दुनिया से संबंध है पर भक्ति क्या, हम जिस चीज़ को चिंतन कर रहे हैं वहीं रह रहे हैं, जिस चीज़ को चिंतन करते हैं हम
वहीं पर रहते हैं, इसलिए ऊपर से रहने पर क्या होगा, अंदर से हमें अंदर से रहना पड़ेगा संपूर्ण रूप में सारे तक। इसलिए कहते प्रेम का वस्तु और कोई नहीं, जगत में सब धोखे देने वाले, प्रेम तो जगत में है ही नहीं, जगत में तो प्रेम नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, वो स्वार्थ है। अगर संसार में कोई प्रेम करता होगा देखोगे ना, वो जरूर उसका अंदर में कुछ मतलब है अंदर में देखोगे, लेकिन भगवान जो जो प्रेम करते हैं उनका अंदर में कोई मतलब नहीं, क्यों, ये मेरे जीव है, मेरे संतान है, हम चाहता हूँ ये संपूर्ण रूप में मेरे शरण में आए, मेरे शरण में आए हैं, ये और किसकी शरण में। इसलिए कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, मन मना भैया और किसको चिंता मत करो, और संसार में किसको चिंता मत करो मेरे सिवाय और किसको चिंता मत, भक्त भव, भक्त किसका बनना है, मेरा भक्त भव, माम जाजी, पूजा किसकी करनी है, मेरे करो, माम नमस्कुरु, नमस्कार किसको करना, मेरे करो, और किसी को नहीं, कृष्ण मना करते हैं। संसार कैसे, जैसे गन्ने से जूस निकलते हैं ना, एक बार दे दिया जूस निकल गया, बोले और थोड़ा जूस है, फिर दो बार दे देंगे फिर थोड़ा जूस निकलेगा, फिर देखा और थोड़ा जूस है, फिर चार बार करके देंगे थोड़ी सी और है बस, फिर आठ बार करके देगा, अरे जब खत्म हो जाएगा ना फिर क्या करेगा, फेंक देगा नहीं, क्या करेगा, उसको जला करके फिर रसोई बनाएगा, जला करके रसोई बनाएगा फिर जला करके। इसलिए इसलिए प्रेम किसको करो, किसको करो प्रेम को, यहाँ पर कहते प्रेम का विषय और कोई नहीं, प्रेम का विषय केवल भगवान कृष्ण है, प्रेम का विषय और कोई प्रेम का विषय नहीं। कहते अगर तुमने सचमुच से जो प्रेम का विषय जो भगवान है अगर तुमने वहाँ पर कर लिया ना, यहाँ पर क्या कहते फल क्या होगा, जैसे छोटी एक आग की चिनकार जैसे एक दिन विश्व ब्रह्मांड को जला सकता है, उसी तरह एक दिन कृष्ण भक्ति रूपी प्रेम की बाढ़ में तुम क्या करोगे, एक दिन विश्व ब्रह्मांड को भी तुमने डूब सकते हो, लेकिन पहले क्या करो, प्रेम का विषय केवल क्या करना, केवल भगवान को पहले प्रेम करना सीखो, उसके बाद में फिर जो कुछ करना तुम कर सकते हो। इसलिए स्वामी महाराज अपना पत्नी को बोले, बोले तुम टी चाहिए ना मी चाहिए, उसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो कोई ग्रंथ था उनने ग्रंथ को पहले क्या होता कागज, कोई आए ना व्यक्ति कागज को बेचने पर पैसा मिलता था, उन्होंने कबाड़ी वाले को, उन्होंने उनको पत्नी ने क्या कुछ ग्रंथ को दे दिया, दे दिया तो उन्होंने देखा भागवत को जो लिखे थे, बोले मेरे ग्रंथ कहाँ गया, उनको पता चला मेरी पत्नी ने उसको बेच करके ये कर दिया, चाय पी लिए, हाँ चाय पी लिए। तब उन्होंने बोला तुमको टी चाहिए ना मी चाहिए, बोले टी चाहिए आप नहीं चाहिए उनको, बोले ठीक है तुम टी लेकर रहो और मैं जा रहा हूँ, उन्हें घरवार छोड़ा, हाँ उन्हें घरवार छोड़ी और घरवार छोड़ करके ऐसे भजन किया, ऐसे भक्ति किया, ऐसे ग्रंथ लिखे दुनिया में, अभी जिनकी घर घर में जिसको कल संपूर्ण विश्व में जिनके नाम के टहल का बज रहा है, हैं जिनके नाम की ढिंडरा पिटवा रहा है विश्व ब्रह्मांड में, हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं एक बात, परम अनित तो केवल जीव समझ अनंत अग्नि के एकमात्र चिन्हकार जैसे अग्नि धारण करते, उसी तरह जो प्रेम का जो विषय है जलाकर अग्नि को परिचय देता है, वैसे एक जीव कहते वैसे एक जीव ही प्रेम का प्रकृति विषय कृष्ण चंद्र को पा करके प्रेम की महाबाढ़ लाने में ये समर्थ हो सकता है, लेकिन जब तक अपने धर्म के यथार्थ विषय को वह स्पर्श नहीं करता कि तब तक उस पूर्ण धर्म का सहज विकास दिखाने में अणुचैतन्य स्वरूप जीव असमर्थ होकर के प्रकाश पाता है। देखो क्या बोल रहे हैं, हाँ अच्छे तरह से देखो क्या बोल रहे हैं, अच्छे तरह से सुनो क्या बोलते हैं, कि जब तक अपने धर्म के यथार्थ विषय को वह स्पर्श नहीं करता है, जब तक ये जीव प्रेम जिसको करनी चाहिए जब तक वो उसको प्रेम नहीं करता है, और प्रेम और किसको कर रहा है, प्रेम उसको नहीं करके प्रेम और किसी विषय का प्रति प्रेम, ये महापुरुष लोग जगत में इतने बड़े क्यों हैं, ऋषि मुनि देखो जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि अमृत सड़क गोस्वामियों को देखो, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दस जीव गोस्वामी, इनके नाम जगत में ऐसे क्यों हुआ है, भक्त विनोद ठाकुर, भक्त जगन्नाथ, हम रोज़ रोज इनका जय क्यों देते हैं, कारण क्या देते हैं, कारण क्या देने का कारण यही है, इन लोगों ने
बस केवल एक पैंट के होकर के उन लोगों ने भगवान भजन किया। भजन करने का नाते भगवत प्राप्ति हुई, और भगवत प्राप्ति होने का नाते अभी रोज सवेरे सवेरे वो तो कहाँ चले गए, वो तो चले गए कहाँ, लेकिन अभी इनका नाम जगत में अमर हो गया, अमर हो गया। और भगवान स्वयं जिनको जगत में अमर भगवान बना देते हैं उनको जगत में अमर हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, जब तक अपने धर्म के यथार्थ विषय को वह स्पर्श नहीं करता है, कहते तब तक वह पूर्ण धर्म का सहज विकास दिखाने में अणुचैतन्य स्वरूप जीव असमर्थ प्रकाश पाता है। अगर भगवान कृष्ण को अगर वो प्रेम नहीं करता है, जीव का अणु है वो अणु के अणु रह जाता है, वो कोई बड़ा बन ही नहीं सकता है। अगर बड़ा बनना चाहते हैं, बस प्रेम का विषय जो भगवान कृष्ण महाप्रभु का जीवन है, उनको ही जीवन में अपना अपना लोग उनको जीवन में, इसलिए अणुजीव असमर्थ होकर प्रकाश पाता है। वास्तव में विषय के संयोग से ही धर्म का परिचय मिलता है, लेकिन मूल विषय क्या है, भगवान। जब तक ये जीव भगवान को साथ में नहीं जुड़ता है, तब तक जीव असली धर्म को प्रकाश नहीं कर सकता है। इसलिए कहते जीव का नित्य धर्म क्या है, जब उन्होंने बोले जब तक भगवान से जीव नहीं जुड़ता है तब तक प्रकाश नहीं होता है, तो फिर यहाँ प्रश्न करते हैं, फिर जीव का फिर नित्य धर्म क्या है जीव का, हैं? कहते इसका अच्छी तरह से अनुसंधान कीजिए। प्रेम ही जीव का नित्य धर्म, जीव का नित्य धर्म क्या, प्रेम और कुछ नहीं। इसलिए मीरा कहती है ना, प्रेम ढाई अक्षर पढ़ा सो पंडित सो, क्या ग्रंथ पढ़ पढ़ जगम हुआ पंडित बना ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम पढ़ा सो पंडित सो हैं। इसलिए असली पंडित कौन है, मीरा कहती है जो ढाई अक्षर प्रेम ढाई अक्षर है, कहते ढाई अक्षर जो प्रेम को जो जीवन में पढ़ लिया ना, सचमुच पंडित वही। हनुमान जी को देखो एक ही प्रेम, तुलसीदास को देखो, मीरा को देखो, गोस्वामियों को देखो, प्रभुपाद को देखो, इन लोगों ने जीवन में केवल एक प्रेम ढाई अगर प्रेम ठाकुर को प्रेम जोड़ दिया। देखो जगत के सबसे बड़े पंडित श्रीधर, अभी कथा सुन रहे थे ना महाप्रभु, बोले श्रीधर स्तुति करो, बोले प्रभु अनपढ़ हूँ स्कूल गया ही नहीं, बोले श्रीधर तू जो बोलोगे ना यही मेरी स्थिति, क्योंकि जब हृदय शुद्ध हो जाता है उसका मुँह से जो कुछ निकलता है ना वो सबके सब शुद्ध निकलता है, कभी अशुद्ध निकलते, बोले तू जो बोलोगे वही मेरी स्तुति है, बोलो तुम जो बोल रहे धड़ाधड़ बोलने लग गया। जैसे ध्रुव महाराज वो थोड़ी स्कूल गई पढ़ने के लिए, पास उनको कपल पर शंख स्पर्श कराते ही सारे दिव्य ज्ञान हृदय में अपने आप स्फुरण हो गया। इसलिए कहते हैं जो जीव का नित्य धर्म क्या है, क्या नित्य धर्म है बोलो, जीव का नित्य धर्म क्या है, हाँ बोलो, कहते प्रेम है जीव का नित्य धर्म, केवल जीव का प्रेम, हाँ कहते इसी की अच्छी तरह से अनुसंधान कीजिए। जीवन में केवल प्रेम के लिए जीवन में, अब संसार में देखो दुनिया में भी सब प्रेम चाहते, प्रेम चाहते कि नहीं बताओ, पति से प्रेम चाहते हो, पत्नी से प्रेम चाहते हो, बच्चे से प्रेम चाहते, बहू से प्रेम तो चाहते ना, प्रेम के लिए सब जीवन भूखा है, प्रेम के बगैर जीवन है। महाप्रभु क्या कहते हैं, कृष्ण प्रेम धन बिना दरिद्र जीवन, दास करी देह मरे कृष्ण प्रेम धन, बोले कृष्ण प्रेम के बगैर ये जीवन दरिद्र जीवन है, इसलिए मेरे को अपना दास बना करके बिना मोल के हमें दास बना दो और हमें भिक्षा रूप में प्रेम दे दो। महापुरुष कहते हैं अगर जिसके हृदय में प्रेम नहीं उसका जीवन दरिद्र जीवन, इसलिए यहाँ कहते प्रेम ही जीव का नित्य धर्म है। जीव अजड़, जीव क्या है, जड़ नहीं, जीव अजड़ अर्थात जड़ से अतीत वस्तु है, चैतन्य ही उसका गठन, कहते उसका गठन क्या है, जीव के अंदर में ये चेतनता ही इसका गठन है, प्रेम ही इसका धर्म, कृष्ण दास से ही उस विमल प्रेम है। कहते प्रेम का जो सर्वोत्तम जो प्रेम है क्या है, कृष्ण की दासत्व को प्राप्त करना ही, यही संपूर्ण निर्मल प्रेम, कृष्ण की दासत्व को प्राप्त करना, अतएव कृष्ण दास रूप प्रेम ही जीव का स्वरूप धर्म। इसलिए जीव का स्वरूप धर्म क्या हो गया, कृष्ण दास्य है। इसलिए रूप गोस्वामी बताए ना, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम
अनुकुलेन कृष्णानुशीलनम भक्त रूपम। वहाँ पर टीकाकार विश्वनाथ कुठारू कहते हैं, कहते उत्तम भक्ति किया है, सर्वोत्तम भक्ति किया, बोले कृष्णानुशीलनम, बोले कृष्ण की अनुशीलन करो, कृष्ण की सेवा करो, अनुशीलन करो। तो इसलिए वहाँ पर नाम किसका लिया, कृष्ण का नाम, कहते उत्तम भक्ति है, हैं। कहते यद्यपि अन्य अन्य अवतार का उपासना करना भी भक्ति है, मत्स्य कुर्मा बराह नृसिंह वामन इनका भक्ति करना भक्ति तो है, लेकिन वो उत्तम भक्ति नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति नहीं। बोले क्यों, कहते जो प्रेम का जो परिपूर्ण जो प्रकाश है, दास्य रस की, वात्सल रस की, मधुर रस की, श्रृंगार रस की, जो सर्वोत्तम जो प्रकाश है, किसको अंदर में प्रकाशित हुआ, ये केवल कृष्ण का अंदर में हुआ, और किसी को अंदर में पूर्ण रूप में भगवान को अभी तो कोई बांध पाए, भगवान कोई झुकन खिलाए, भगवान के कंधे पर कोई चढ़ा, ठाकुर कभी किसके चरण में गिरे, लेकिन केवल कृष्ण ही करते हैं, केवल कृष्ण ही ये काम किया। इसलिए प्रेम का पूर्ण जो कृष्ण भक्ति करते हैं, कहते उसका भक्ति ही उत्तम भक्ति। बोले तब भी वहाँ कुछ बाकी रह गया है, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए इस श्लोक में क्या बताया, कृष्ण शब्द नहीं, कृष्णा, क्या बोले, कृष्णा कौन है, राधा रानी, कृष्ण ने कृष्णानुशीलनम, जो राधा जी की अनुगत्य में जो कृष्ण सेवा करते हैं, कहते प्रेम के जो पूर्ण प्रकाश है, वहीं पर कृष्ण की पूर्ण प्रकाश होता है। इसलिए राधा के बगैर कृष्ण आधा है, हैं, कृष्ण पूर्ण नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते कृष्ण दास रूप प्रेम है जीव का, विमल स्वरूप प्रेम है। तब यहाँ पर कहते हैं जीव की दो अवस्थाएं, कितना अवस्था है, कितना क्या है, कहते एक है शुद्ध अवस्था और एक बद्धा अवस्था। इसलिए जो हमने जो नोट बनाए ना, उसमें ना सब इस प्रश्न उत्तर दिया है, इसलिए वो नोट का आज तुम लोग लेना, ठीक है, लेकर को नोट को लेकर उसको, नहीं तो जेरक्स कर लेना, नहीं तो लिख लेना उसको, लिख करके ना, जैसे ये प्रथम पहले प्रथम अध्याय चला गया, प्रथम अध्याय में कुछ उसको क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि एक एक अध्याय में क्वेश्चन आंसर करो ना, उसको पढ़ो, कहीं भी तुमको कोई प्रश्न भक्ति के ऊपर कहीं प्रश्न करेगा ना, वहाँ पर निसंकोच रूप में तुम उसको उत्तर दे सकते, इतने जो कोई प्रश्न जो प्रश्न कर ही नहीं सकते वो प्रश्न वहाँ बने। इसलिए उसमें उन्होंने बहुत कष्ट किया उसको लेकर पढ़ना, ठीक है, आज लेकर, और कल हम प्रथम जो अध्याय गया है केवल उसी अध्याय के ऊपर में कल हम लोग विवेचना करेंगे, प्रश्न उत्तर को हम विवेचना करेंगे। इसलिए जीव का कितना अवस्था है, कि जीव का दो अवस्था है, क्या क्या है, एक शुद्ध अवस्था और एक है बद्ध अवस्था, हैं। कहते शुद्ध अवस्था में जीव केवल चिन्मय, जब जीव शुद्ध अवस्था रहता है उस समय भगवान जीव क्या होता है, उस समय में ज्ञान स्वरूप होता है, उस समय वो चिन्मय अवस्था में रहते हैं, उस समय उसका जड़ से कोई संबंध नहीं रहता है। जैसे ललिता, विशाखा, चंपकलता, कृष्ण के जितने भक्त है, और जैसे हमारे गोस्वामी लोग हुए हैं, जितने भक्त लोग हुए हैं, कहते इनको क्या है, कि जिस समय वो शुद्ध अवस्था में होते हैं, उस समय वो चिन्मय अवस्था में रहते हैं, उस समय उनका कोई जड़ में कोई संबंध नहीं रहता, इस संसार माया संसार में उनका कोई संबंध नहीं, संबंध केवल किसको साथ में, केवल ठाकुर के साथ में उनका संबंध, और जगत में किसी को साथ में उनका संबंध नहीं है, हैं। इसलिए कहते शुद्ध अवस्था में जीव अनुपदार्थ है, कहते उसका जड़ से कोई संबंध नहीं रहता, शुद्ध अवस्था में भी जीव अनुपदार्थ, लेकिन जब जीव मुक्त अवस्था में भी, लेकिन होने पर भी, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो उसी समय भी अणु, उस समय भी बड़ा नहीं, लेकिन अणु उसी समय भी, क्यों, हनुमान जी को पूछो, हनुमान जी क्या कहता है, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, शुद्ध अवस्था में भी अपना परिचय क्या देता है, राम का भक्ति ही, राम की सेवा ही जीवन का मूल है, है? इसलिए महाप्रभु क्या कहते हैं, ना अहम वर्णी न च गृहपति न वनस्थ जतिर्वा किंतु प्रदीप न निखिल पूर्ण अब्दे गोपी भर तु पद कमलो दास दास दासानुदास है। प्रभु गोपियों का भरता जो कृष्ण, उनका दासों का हम दास, तोद भृत्य
भृत्य भृतस्य भृत्य किस्मरमाम लोकनाथ। ठाकुर जी मेरे को तो आप अपना दासों का दासों का दासों का दास। मंजिल क्या है, मंजिल भाव क्या है, हैं ये हम सबका दास है, हम सबका दास है। इसलिए यह कहते हैं कहते शुद्ध अवस्था में जीव अणु पदार्थ है, उसी अणुत्व के कारण जीव के अवस्थांतर प्राप्त होने की संभावना होती है। कहते यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव ये बद्ध अवस्था को जो प्राप्त करता है, मुक्त अवस्था में तो अणु है, लेकिन जीव ये बद्ध अवस्था को फिर प्राप्त क्यों करता है, हैं ये बद्ध अवस्था क्यों प्राप्त करता है, बोले कारण है कहते बृहद चैतन्य स्वरूप कृष्ण का स्वभावतः अवस्थांतर नहीं। कहते बृहद कौन है, कहते बृहद चैतन्य वस्तु भगवान कृष्ण स्वयं। कहते इनकी स्वभाव तो अवस्थांतर नहीं, जैसे जीव अभी जैसे हम लोग माया में पड़ गए संसार में आकर बिलबिला रहे, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, धन से दुखी, परिवार से दुखी, और दुखी दुखी होकर बिलबिला रहे, क्या भगवान ऐसे होते हैं? नहीं, भगवान नहीं होते हैं। क्यों? भगवान बृहद चैतन्य। लेकिन जीव को क्यों होता है, चूँकि जीव ये अणु है, जीव ये अणु अवस्था है, अवस्थांतर नहीं, वे वस्तुतः बृहद पूर्ण शुद्ध और सनातन है। भगवान क्या है, कहते वस्तुतः वास्तव रूप में भगवान क्या है, बड़े हैं, वो पूर्ण भी है, वो शुद्ध भी है, वो सनातन है, लेकिन जीव वस्तुतः क्या है, कहते वस्तुतः जीव अणु खंड और अशुद्ध होने के योग्य और अर्वाचीन हैं, और ये किंतु धर्मतः, लेकिन वस्तुतः जीव अणु खंड है अशुद्ध है, लेकिन धर्मत क्या है, धर्मत क्या है, बोले धर्मत जो जीव है साधारण नहीं, वो बृहद है, वो अखंड है, वो शुद्ध और सनातन है। लेकिन जीव को केवल अणुत्त है, लेकिन जब ये मुक्त हो जाता है ना, जीव वस्तुतः जब मुक्त हो जाता है, देखो हनुमान जी को देखो सारा दुनिया को ढल का मचा दे, लेकिन क्यों ये वस्तुतः, लेकिन जीव जब बद्ध अवस्था को प्राप्त करता है ये जीव अनुत हो जाता है, लेकिन जब भगवान का आश्रय लेता है वो जीव फिर बृहत बन जाता है। इसलिए जीव जब तक शुद्ध है तभी तक उसके स्वधर्म का विमल परिचय मिलता, जीव जब शुद्ध रहता है कहते उसी अवस्था में अपना स्वधर्म का अपना विमल परिचय देता है। जीव जब माया के संबंध में अशुद्ध होते हैं तब भी स्वधर्म में विकार होने का कारण वो अविशुद्ध है, हैं तभी ये अविशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर जाता है। क्यों? माया के संबंध में आकर के ही ये जीव हैं ये अपना धर्म को भूल करके अशुद्ध होकर के स्वधर्म का विकार को प्राप्त करते हुए ये क्या हो जाता है, अशुद्ध बन जाता है, अविशुद्ध बन जाता है, लेकिन अनाश्रित और सुख दुख से पिसा हुआ रहता है। जैसे संसार में हम आकर के सबके सब सुख दुख में संसार में माया हमें चक्की में पीस रहे हैं, माया की पीस चक्की में हम लोग सबके सब पीसते जा रहे हैं। कृष्ण के दास्य स्वभाव की विस्मृति होते ही जीव का संसार दशा उपस्थित हुआ। संसार में हमने क्यों आए, कारण क्या है, हम भगवान को देख करके आकृष्ट नहीं हुए, लेकिन हम माया को देख करके आकृष्ट हो गए। भगवान बोले मेरी सेवा नहीं करोगे, बोले नहीं थोड़ा माया देखो, माया कितना सुंदर है, हम बुला रहे हैं, थोड़ा माया में चलते हैं, बोले जाकर देख ले मजा चख ले, जाकर मजा चख ले क्या कैसे लगता है, फिर आ करके बस कभी राजा कभी प्रजा, कभी सुखी कभी दुखी, कभी नरक कभी दैत्य कभी कीट कभी क्षुद्र, ऐसे ही हम संसार में भ्रमण करते रहे। संसार में क्यों, भगवान के प्रति हमने आकृष्ट नहीं हुए, हमने किसको प्रति आकृष्ट हुए, माया के प्रति हम लोग आकृष्ट हो गए। तब वहाँ पर फिर आएगा हम माया के प्रति क्यों आकृष्ट हुए, हम भगवान के प्रति आकृष्ट क्यों नहीं हुए, हमारी ये दुर्गति अभी ऐसे क्यों दुर्गति है, कारण क्या है, कारण है जो जीव है बहुत छोटा है और जो माया की जो शक्ति है ना वो बड़ा है। मैंने कहा तो जीव को ये आसानी से ये कैप्चर कर लेता है और इसे संसार में दुख कष्ट में जीव को ये डाल देती है। ठीक है।
बलवान छाकल तरुभस्य कृपा सिंधु भय वच पतितानन पावने भो वैष्णव भो क्षमा संसार दहने दग्ध जीव कुल उधार कारणी करुणा वारी द कृपा वारी दाने बंदी से करे सखी सन वृंदावने अति दक्ष नहे प्रिय
बोल सकते भजन पीछे 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 अच्छे तरह से ना पीछे पीछे बोलने पर अपने आप सीख जाओ। Thank you.
कृष्णदेव भवन्तं वन्दे मनः